गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका आप सभी का मैथ्स टीचर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा एक्टिविटी वीक शुरू हुआ है, कल से शुरू हुआ है। तो आप सभी को नया नया टास्क दिया जा रहा है, नया नया चीज़ आप सभी को सीखने को मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी नया नया चीज़ जो है वो अच्छे से अडोप्ट करें। और आज मैं आप सबको एक टास्क दूंगा, एक फ्लावर में सिखा के दूंगा कैसे बनाना है। करते हैं कभी कभी हमारे घर पे जो वेस्ट पेपर होता है वो हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो अभी से क्या करना है, वेस्ट पेपर को डस्टबिन में नहीं फेंकना है, ठीक है। उससे भी हम बहुत कुछ चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो वही आज मैं आपको सिखा के दूंगा कैसे बनाना है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो और सीखो, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो, ये जो मैंने फ्लावर के बारे में बोला था, तो इसको कैसे बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पेपर लेंगे। ये जो पेपर दिख रहा है ये एकदम हल्का पेपर है, जो पतंग का जो पेपर होता है वो पेपर लेना है। यहाँ पे देखो मैंने दो कलर का पेपर लिया हुआ है, ठीक है। एक है येलो और दूसरा है ग्रीन, ठीक है। तो आप सबको क्या करना है, एटलीस्ट 5 कलर का पेपर लेना है और एक कैंची लेना है, ठीक है। तो उससे हम बनाएंगे, एकदम सेम साइज में इसको काटना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसको ऐसे पेपर को फोल्ड करना है, ऐसे करना है, ये देखो लाइक दिस, ठीक है। ऐसे पेपर को अच्छे से रोल की तरह फोल्ड करना है, ठीक है। अच्छे से इसको मैंने फोल्ड किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे इसको अच्छे से फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। एक कलर का मैंने क्या किया है, मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, दूसरा पेपर लूँगा, ठीक है। उसमें मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके फोल्ड कर दूँगा, सेम इसको ऐसे बीच में इसको फोल्ड कर दूंगा। तो साइड में जो रहेगा इसको भी ठीक करना होगा हमें, ठीक है। हाँ ये वाला देखो, ये मेरा हो गया, मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, कैची लूँगा, ठीक है। कैची लेके इसको, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, होल दिख रहा है, इसके अंदर में मैं इसको छोटा छोटा पीस करूँगा इसको, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके इसको छोटा छोटा पीस करूँगा। अब यहाँ पे घुसा के इसको भी मैं इधर पे काट दूँगा। याद रखना, जब हम काटेंगे तब इसका साइज़ भी सेम होना चाहिए, ठीक है, एकदम सेम साइज़ में काटना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ तक काटते हैं तो पूरे सबको यहाँ तक ही काटना है, ठीक है, पूरा। इसके बाद यहाँ पे भी मैं काट दूँगा। अभी देखो मैंने इसको अच्छे से काट दिया है, ठीक है। तो काटने के बाद जो छिलका निकलेगा उसको हम फेंक देंगे ऐसे। अभी क्या करूँगा, मैं इसको बीच में से इसको ऐसे उठा दूँगा, ठीक है, देख सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे कैंची से ऐसे करता हूँ तो ये भी ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है इसको भी मैं जितना आप लोग खींचोगे उतना ये लंबा होता जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे कर, ठीक है। तो ये एक फ्लावर के डिज़ाइन की तरह बन गया है। इसको किसी भी, ये मैंने दो कलर का बनाया इसीलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा है।
तो आप लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट 5 कलर्स का पेपर लेना है, ठीक है? तो प्रोसीजर सेम है, सिर्फ 5 कलर्स का पेपर लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 कलर का ऐसे फ्लावर बनता जाएगा, ठीक है? जितना आप लोग वो करेंगे, काटेंगे, 5 तरह का फ्लावर बनता जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ काटना है और इसको खींचना है, तो ये फ्लावर बनता जाएगा। देखो कैसा लग रहा है। तो इसको आप अच्छे से किसी टेबल में या फिर किसी अलमारी में सजा के अच्छे से रख सकते हैं। इसको अगर मैं ऊपर की तरफ घुमा देता हूँ तो ये और भी अच्छा बन जाएगा, ठीक है? तो इसको आप किसी भी जगह पे रख सकते हैं अच्छे से, ठीक है? याद रखना कि 4-5 कलर का पेपर लेना है, ओके?